हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये वीडियो एंड तक लाजमी देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप तमाम दोस्तों के साथ एक बैड न्यूज़ शेयर करने वाला हूँ। बल्कि बैड न्यूज़ क्या, मेरे साथ एक ट्रेजेडी हुई है रिसेंटली, वो मैं आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि काफ़ी दोस्त जो हैं एकदम परेशान हो गए, काफ़ी दोस्तों ने मुझे व्हाट्सएप में मैसेज किए और ईमेल्स वगैरह भी मेरे पास बहुत सारी मौसूल हुई हैं। तो आखिरकार मैंने डिसाइड किया कि हर किसी को रिप्लाई करने के बजाय मैं एक वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर देता हूँ, जो कि मेरे साथ रिसेंटली ट्रेजेडी हुई है, और वो वीडियो आप तमाम दोस्तों के साथ मैं शेयर करता हूँ। इस वीडियो को मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आपको एक रिप्लाई देना है। बस किस सवाल का रिप्लाई देना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, लास्ट 1 मंथ से मेरे चैनल के ऊपर कोई बुराई चल रही थी, कोई बैड लक चल रहा था, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, बट मेरा जो चैनल है उसके ऊपर वन बाय वन करके कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स लग रही थी। ठीक है, अच्छा, कुछ मेरे चैनल पे स्ट्राइक लग चुकी थी, ठीक है, तकरीबन दो स्ट्राइक मेरे चैनल के ऊपर कम्युनिटी गाइडलाइन की लग चुकी थी यूट्यूब की तरफ से। और उसके बाद कुछ यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट जो है मेरी वीडियो जा रही थी, तो यूट्यूब क्या कर रहा था, मुझे एक मेल सेंड कर रहा था कि आपकी ये वीडियो हमारी कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट जा रही है, जिसकी बुनियाद पर हम आपकी ये वीडियो रिमूव कर रहे हैं। तो इस तरह से YouTube ने मेरी ऑलमोस्ट 16 से 17 वीडियो जो हैं वो रिमूव कर दी। और मैं इस बात से परेशान था कि कुछ ऐसी वीडियोस थी, बल्कि 10 से 12 वीडियोस ऐसी थी जिसमें कोई इशू ही नहीं था, YouTube की तरफ से कोई इशू नहीं था, कोई मैंने कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट वो वीडियो नहीं बनाई थी, ना कोई उसमें सॉफ्टवेयर, ना कोई क्रैक था, ना कोई चीज़ मैं सेल कर रहा था, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट जा रही हो। लेकिन फिर भी YouTube ने मेरी वीडियोस रिमूव कर दी। और उसके बाद मैंने YouTube से कांटेक्ट किया, पहले तो लाइव चैट के ज़रिए कांटेक्ट किया, तो उन्होंने बोला हम चेक करते हैं। चेक करने के बाद उन्होंने बोला कि आप जो कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक लगी हैं वो ऊपर से लगी हैं, ऊपर से मुराद ये है कि कोई उनके हेडक्वार्टर वगैरह से स्ट्राइक्स लगी थी। तो फिर मैंने कोशिश की कॉन्टेक्ट करने की ट्विटर के थ्रू, ठीक है, फिर मैंने ट्विटर के थ्रू कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो मेरे पास 24 आवर्स में रिप्लाई आया। उन्होंने बोला हम आपका अकाउंट चेक करते हैं। जब उन्होंने अकाउंट चेक किया तो उन्होंने बोला कि आपके कंटेंट ने जो है वो हमारे कम्युनिटी गाइडलाइंस को वायलेट किया है, जिसके बुनियाद पर हमने स्ट्राइक लगाई है। ठीक है, तो मैंने कहा मैंने कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइंस को वायलेट नहीं किया, लेकिन उन्होंने मुझे कोई रिस्पॉन्स दोबारा नहीं दिया। फिर उसके बाद मैंने अपने दिल को समझा लिया कि अब ये YouTube मेरे पीछे पड़ गया, अब YouTube मेरे पीछे पड़ा या हेटर मेरे पीछे पड़ा है मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, तो क्या इसके पीछे चक्कर था मुझे नहीं पता। तो ये काम चल रहा था और मेरी वीडियोस रिमूव होती जा रही थी और कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक लगती जा रही थी। ठीक है, और एक्चुअल जो स्ट्राइक्स थी वो थी 2, जो मेरे YouTube डैशबोर्ड पर शो हो रही थी, और इसके अलावा मेरी वीडियोज़ जो रिमूव कर दी गई वो थी 16 से 17। तो उसके बाद मेरे पास एक मेल आता है 23 अगस्त को, ठीक है, 23 अगस्त को मेरे पास एक मेल आता है, मैं आपको वो मेल शो करा देता हूँ इस वीडियो के अंदर। वो मेल ये था जिसमें लिखा हुआ है YouTube की जानिब से, हाई लकी स्टूडियो फॉर यू, वी हैव रिव्यूड योर कॉन्टेंट एंड फाउंड सर्वर और रिपीटेड वायोलेशन ऑफ आवर कम्युनिटी गाइडलाइंस, बिकॉज ऑफ दिस वी हैव रिमूव योर चैनल फ्रॉम YouTube। ठीक है, ये बोल रहा है कि भाई आप जो है, हमने आपके चैनल को रिव्यू किया है और आप जो है बार बार जो है हमारी कम्युनिटी गाइडलाइंस को वायलेट कर रहे हो, जिसकी बुनियाद पर हम आपका YouTube चैनल रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे आप पढ़ सकते हैं, बहुत सी चीज़ें लिखी हुई हैं, हमारी पॉलिसी ये वो हर चीज़। तो दोस्तों, इसके मेल के बाद जब मैंने अपना चैनल चेक किया तो वो रिमूव हो चुका था YouTube पे। अब उसके बाद काफ़ी दोस्त मेरे परेशान हो गए, जो कि मुझे डेली बेसिस पे फॉलो करते हैं, वो लोग परेशान हो गए, क्योंकि कुछ वीडियोस मेरी बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी आप तमाम दोस्तों के लिए, ख़ासतौर पर फोटोग्राफर, एल्बम डिज़ाइनर और एडिटर्स, ये जो थे ना लोग, ये लोग परेशान हो गए। तो इन्होंने मुझसे रब्ता करने की कोशिश की और मुझे बोला कि सर आपका चैनल कहाँ है, कहाँ गुम हो गया है, कहाँ हैं वीडियोस, ये वो। तो सबको मैं जवाब दे रहा था और साथ ही साथ मैं ये कोशिश भी कर रहा था कि चैनल रिकवर हो जाए। ठीक है, तो आखिरकार मैं आज थक हार के फाइनली ये वीडियो बना रहा हूँ और आप तमाम दोस्तों के साथ ये पूरी जो मेरे साथ ट्रेजेडी हुई है ये शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू। और इस वीडियो को
बनाने का एक ही मकसद है कि आप तक ये रिप्लाई मैं पहुंचा सकूं कि मेरा जो ओल्ड चैनल था लक्की स्टूडियो फॉर यू, जिस पे तकरीबन 58,000 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके थे, वो चैनल मेरा यूट्यूब से रिमूव हो गया है। उस पे 200 प्लस वीडियोस थी, वो वीडियोस भी रिमूव हो गई हैं। ठीक है, तो आपको अब वो वीडियोस भी नहीं मिलेंगी, वो चैनल भी नहीं मिलेगा। लेकिन उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने एक न्यू चैनल बना लिया, क्योंकि काफ़ी ऑडियंस परेशान थी, तो मैंने न्यू चैनल बना लिया। और न्यू चैनल बनाने के बाद आस्ता आस्ता उस पर वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दिया। अभी तक आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जो है 9 वीडियोस अपलोड कर दिए। तो आस्ता आस्ता आपको यहाँ पे सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो ये लक्की स्टडी फॉर यू मेरा न्यू चैनल है, जिस पे 860 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब जब करेंगे आप तो साथ ये बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा। उससे ये होगा कि मेरी जब भी कोई वीडियो अपलोड होगी तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल या आपके कंप्यूटर पे आ जाएगा, आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं और मेरी हर वीडियो से बाखबर रह सकते हैं। तो ये है तो बैड न्यूज़, लेकिन बस क्या करें, नसीब की बात है। कभी कभी ऐसी चोटें भी बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। तो मैंने आखिर जो मेरी कोशिश थी चैनल रिकवर की, वो मैंने बहुत की, और आखिरकार मैं हार चुका, और हारने के बाद ही ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अब से मेरा ये चैनल है, और जो ओल्ड चैनल है वो ना अब रिकवर होगा, ना ही मैं उसके ऊपर अभी कोशिश कर रहा हूँ। तो आप जो हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी चैनल पे जो भी मेरी वीडियोस आएंगी उनको वॉच करें और अपने काम को बेहतर करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।